आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी लाल किले पर पहुंचे और राष्ट्र ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी अभी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और देश के सामने विकसित भारत 2047 का पूरा एजेंडा रख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज आज़ादी के परवानों को नमन करने का दिन है। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है। देश ने गुलामी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। आज़ादी के परवानों को एक ही स्वर था, वंदे मातरम। 40 करोड़ लोगों ने सबसे शक्तिशाली सत्ता को उखाड़ फेंका। हम 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। आज देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का समय। विकसित भारत के लिए करोड़ों लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। तो विकसित भारत के लिए 140 करोड़ लोगों की तरफ से सुझाव आए हैं। सुझाव मांगे गए थे कि क्या विकसित भारत में बिंदु होने चाहिए। नेशन फर्स्ट मेरा और मेरी सरकार का संकल्प है। हम राजनीति में गुणा भाग नहीं करते हैं। देश मजबूती से आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है, देश में माए बाप का जो कल्चर था उसे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने उखाड़ फेंका है, ख़त्म कर दिया है। आज सरकार खुद लोगों तक सुविधाएं लेकर जा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। देश के युवा अब धीरे धीरे चलना नहीं चाहते, वो ऊंची नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, नई छलांग लगाना चाहते हैं। इंक्रीमेंटल प्रगति पर देश का युवा भरोसा नहीं करता है। अब देश का युवा न्यू ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, न्यू ग्रोथ की बात करता है। तो ऐसे में युवा छलांग लगाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। हम सदियों की बेड़ियों को तोड़कर निकले हैं। हर सेक्टर में नयापन, आधुनिकता की ज़रूरत थी। इस बदलाव के लिए हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े हैं, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से संबोधन में कहा गया। उन्होंने नारी शक्ति की बात की, किस तरीके से देश में महिलाएं 10 करोड़ महिलाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, उनकी बात उन्होंने की। महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे उनकी सरकार की तरफ से बेहतर प्रयास किए गए हैं, उसकी बात भी पीएम मोदी ने की। महिलाओं का सशक्त बनना कितना ज़रूरी है देश के लिए, इसकी बात की। आज सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है। 1 करोड़ माताएं बहनें जो लखपति दीदी बन गई हैं, इसको उन्होंने गर्व की बात कहा। जब नीति और नियत साफ होती है, सही होती है, तो निश्चित तौर पर परिणाम मिलते हैं, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। ईज ऑफ लिविंग ने भी देश के विकास को नई दिशा दी है। पिछले 10 साल में देश ने कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं, जिसकी बात आज पीएम मोदी की तरफ से की गई है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास को नई छलांग मिली है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वजह से नई छलांग मिली है। सामान्य जीवन में सरकार का दखल कम हो, ये मेरा सपना है। 2047 में जब भारत विकसित हो जाए, तभी सपना पूरा होगा, जब सरकार की दखल अंदाजी कम से कम हो। सबका विकास हमारी कार्यशैली का हिस्सा रहा है, और उसकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं। जनहित में कानूनों के कई जंजाल खत्म किए गए हैं। नए जो कानून व्यवस्था है, उसकी बात वो कर रहे हैं। अनावश्यक कानूनों को हमने खत्म कर दिया है। नए क्रिमिनल लॉ का मूल प्राकृतिक न्याय है। नए क्रिमिनल लॉ की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग जो गया है उससे संतोष कर बैठने वाले नहीं हैं, जो आगे करने वाले हैं उसके लिए हम तैयार हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हम अगली पीढ़ी पर काम नहीं टाल सकते, यानी हम अपनी तरफ से काम करें। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं ताकि विदेश न जाना पड़े। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वो बाहर न जाएं, देश में ही उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा शुरू होना, ये गर्व की बात है। आपके सपनों के लिए मैं खुद को जीवना खपा मैं अपना खुद का जीवन खपा दूंगा, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। भाषा के कारण टैलेंट बेकार नहीं होना चाहिए, मातृभाषा ताकत बने न कि रुकावट बने, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। हम स्किल को नई ताकत देना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीक पर बल जरूरी है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी पर इस वक्त बल देना जरूरी है। भारत सरकार रिसर्च पर बल दे रही है। युवाओं के आइडिया को जमीन पर उतारने की जरूरत है। विकसित भारत का स्वस्थ भारत होना भी उतना ही जरूरी है, यानी स्वास्थ्य पर जोर। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से आज कहा गया है। यानी कृषि पर, विकसित भारत पर, स्वास्थ्य पर, युवाओं के न्यू आइडियाज पर पीएम मोदी की तरफ से आज जोर दिया गया है। हर सेक्टर को छूने की कोशिश
उनके पूरे संबोधन में। देश के हर सेक्टर से जुड़े लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश उनके आज के संबोधन से की जा रही है। पूरे संबोधन में हर आइडिया पर बात की जा रही है, हर सेक्टर की बात की जा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर अर्थव्यवस्था हो देश की, ये युवाओं से जुड़े हुए आइडियाज हो, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन सिस्टम हो, लॉ हो, जो क्रिमिनल लॉ चेंजेस हुए हैं उनकी बात, या उन कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं उनकी बात पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। विकसित भारत के लिए कितना ज़रूरी है कि देश हेल्दी हो, स्वस्थ हो, उसकी बात उनकी तरफ से की जा रही है। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, युवाओं के आइडिया पर जमीन पर उतरे उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। आज किसानों को आसानी से लोन दिए जा रहे हैं, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश है। मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी, ये एक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो मेडिकल छात्रों के लिए जो मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75,000 नई सीटें मेडिकल की बनाई जाएंगी। वहीं किसानों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश है, किसान के बच्चे भी एम्प्लॉयड रहें, ये उनकी कोशिश है। वहीं किसानों को ईजी लोन मिल सके, ये उनकी कोशिश है, उसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है, ये पीएम मोदी की तरफ से यहाँ बताया जा रहा है। इस पूरे संबोधन में हर सेक्टर से जुड़ रहे हैं पीएम मोदी, चाहे वो हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो देश की, फार्मर्स हो यानी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो, या विमेन हो, या फिर हेल्थ हो, या एजुकेशन हो, सभी को साथ में लेकर चलने की बात है। स्टूडेंट से डायरेक्ट कनेक्ट, युवाओं से डायरेक्ट कनेक्ट, महिलाओं के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे संबोधन में किया जा रहा है। यह हमने हाल के सालों में देखा है कि पीएम मोदी की तरफ से जितने भी लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिए गए हैं उसमें वो हर सेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व बढ़ रहा है, सेना, स्पेस सेक्टर, मेडिकल, हर क्षेत्र में महिलाओं का दमखम है, लेकिन महिलाओं से अत्याचार से मन दुखी हो जाता है। महिलाओं के प्रति जो घटनाएं घटी हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र कि जो अत्याचार महिलाओं के खिलाफ होते हैं उससे मन दुखी हो जाता है, तो ये बात भी एक्नॉलेज की गई है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है या जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे उनका मन दुखी होता है। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि महिला हर सेक्टर में उनका नेतृत्व बढ़ रहा है, उनका दमखम चाहे सेना हो, स्पेस सेक्टर हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक तौर पर वो मजबूत बन रही हैं, 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि महिलाओं को आज भी अत्याचार सहना पड़ता है, उनके सामने आता है और वो उस जो अत्याचार उनके खिलाफ होता है उससे उनका मन दुखी हो जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां संबोधन है जिसमें हर सेक्टर की बात, चाहे सेना हो, स्पेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिलाएं हो, इकोनॉमी हो, महिलाओं के साथ अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो भी उस दौर में जब पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है महिलाओं के खिलाफ होते क्राइम पर, अत्याचार पर। तो ऐसे में एक डायरेक्ट मैसेज देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि हर कीमत पर इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, ये मैसेज। महिलाओं के प्रति अपराध से देश भर में आक्रोश है, उस आक्रोश को एक्नॉलेज कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मान रहे हैं कि देश भर में आक्रोश है, सभी के अंदर गुस्सा है, जिस तरीके की जो अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं उससे देश भर में आक्रोश है, और ऐसे में जो भी राक्षसी कृत्य करते हैं उनके खिलाफ सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, उन्हें सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ये मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी देशवासियों के लिए। महिलाओं के साथ अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि जो अभी पूरे देश का टेम्परामेंट है, आक्रोशित हैं सभी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, उस पर डायरेक्ट वार पीएम मोदी की तरफ से, एक डायरेक्ट मैसेज हर महिला के लिए,
हर उस शख्स के लिए जो इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि अगर कोई भी राक्षसी कृत्य करता है तो उसे जल्द सजा होनी चाहिए। सजा पर पुरसो, सजा पर ये जोर कि सजा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहले जो नए क्रिमिनल लॉ है जिसमें सजा के प्रावधान है उसकी बात भी उन्होंने यहाँ पर की। महिलाओं की ग्रोथ की बात की कि महिलाएं किस तरीके से हर सेक्टर में ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन जो इस तरीके की घटनाएं होती है वो देश को शर्मसार करती है और ऐसे में देश में आक्रोश भर देती है। और अभी जो महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं उससे देश भर आक्रोशित है, देश का हर शख्स आक्रोशित है। और इस आक्रोश को तभी शांति मिलेगी जब सजा होगी, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो। इसीलिए पीएम मोदी की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज, सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि अगर कोई महिलाओं के प्रति इस तरीके की घटना होती है तो देश चुपचाप नहीं रहेगा, उसे सजा मिलेगी। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार पर ये उनकी तरफ से मैसेज। वहीं उन्होंने बात इस बात की भी की है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, हर सेक्टर में नेतृत्व बढ़ा है, चाहे सेना की बात कर ली जाए, स्पेस की बात कर ली जाए, मेडिकल सेक्टर की बात कर ली जाए, महिलाओं का दमखम बढ़ा है, लेकिन महिलाओं के अत्याचार से मन दुखी होता है। उन्होंने बात किसानों की है, किसानों को आसानी से लोन दिए जा रहे हैं, किसान के बच्चों को रोज़गार उपलब्ध हो रहे हैं, ये हमारी कोशिश है। मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी, ये घोषणा भी पीएम मोदी की तरफ से आज की गई है अपने संबोधन में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी।